हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फुटबॉल नाइट। सो फीफा बैन AIFF। जी हाँ दोस्तों, आपको अभी तक न्यूज़ तो मिली गई होगी, अब फीफा ने अपना इंटरवेंशन कर दिया है और बैन कर दिया है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF को। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सैड न्यूज़ है इंडियन फुटबॉल के लिए, बहुत ही दुखीजनक दिन है आज इंडियन फुटबॉल के लिए, क्योंकि फीफा ने फाइनली बैन कर दिया है इंडियन फुटबॉल की जो फेडरेशन है AIFF को। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे फीफा ने बोला है कि थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हुआ है, और जब थर्ड पार्टी इंटरवेंशन होता है तो फीफा बैन कर देता है किसी भी फेडरेशन को। तो अब AIFF को ये बैन झेलना पड़ेगा। जो फीफा ने डेडलाइन डेट्स थी जो दी हुई थी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को, उसके अंदर इलेक्शन करवाना था और जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी तैयार करना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना इंटरवेंशन किया और जो COA को अपॉइंट किया, बोला कि आप न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए और इलेक्शन करवाइए जल्द से जल्द। फीफा को ये पसंद नहीं आया। फीफा ने बोला ये थर्ड पार्टी इंटरवेंशन है, आपने COA की कमेटी अपॉइंट की और जो कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया उसमें कोई जो गाइडलाइंस दी हुई थी फीफा की गाइडलाइंस के द्वारा वो कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं था। तो फीफा ने यहाँ पे फाइनली बैन कर दिया है AIFF को। और जो इंडिया होस्ट करने वाला था अंडर 17 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप, वो भी इंडिया के हाथ से जाता दिख रहा है। ऐसा जो फीफा ने अभी अपना जो एक लेटर जो दिया है उसमें लिखा है कि जो होस्ट नेशन था इंडिया, अब शायद इंडिया होस्ट नहीं कर पाएगा अंडर 17 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप। बहुत ही दुखीजनक दिन है। हम बात करेंगे आगे इस वीडियो में, हमारे साथ बने रहिए, हर चीज़ बताएंगे आगे चल के कि अब क्या होगा, अब क्या करना चाहिए AIFF को, कैसे न्यू कमेटी अपॉइंट होगी, सबके बारे में बात करेंगे, किसकी गलती है, किसके कारण ये हुआ है। सो दोस्तों, ब्लेम गेम हो रहा है यहाँ पे। कुछ बोल रहे हैं कि नहीं, जो एक्स प्रेसिडेंट है उनके कारण ये हुआ है। कुछ लोगों का कहना है, जैसा कि सोशल मीडिया में आपने देखा होगा, कि नहीं, जो CEO की जो न्यू कमेटी है उसकी गलती है। कुछ लोगों का कहना है जो पहले में जो AIFF के जो लोग थे उन लोगों की गलती है। तो ब्लेम गेम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखना होगा कि जो इंडियन फुटबॉल है उसको कितना नुकसान हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, ब्लेम गेम तो चलता रहेगा। जो एक्स प्रेसिडेंट है प्रफुल्ल पटेल, वो थे हमारे AIFF के, अब तो वो जा चुके हैं, बट बहुत से लोगों का कहना है कि उनकी गलती है, उनके कारण ये फीफा बैन झेलना पड़ रहा है हमें। बट जो न्यू कमेटी अपॉइंट की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा COA, तो उनको जो एक डेडलाइन डेट दी हुई थी, आपको बता दें कि फीफा की एक टीम भी आई थी AIFF में इंडिया कुछ मंथ्स पहले, तो उन्होंने डेट दी गई हुई थी कि ये डेट्स हैं भाई, इन डेट्स में आप अपना जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बना लीजिए, और जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद जो अपना इलेक्शन है, इलेक्शन करवाइए अच्छे से, और एक न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट करिए और एक अच्छी सी कमेटी बनाइए जो रन करेगी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को। तो ये जो सब होना था वो फीफा की गाइडलाइंस के अंडर होना था, बट जो CEO के द्वारा न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया वो उसमें बहुत से खामियाँ थी, जो कि स्टेट FA को पसंद नहीं आया। ठीक है, जो स्टेट फुटबॉल फेडरेशन था, जितने भी स्टेट फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेशन थे, बहुत से स्टेट फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेशन को ये बहुत सी जो गाइडलाइंस थी जो COA के द्वारा बनाई गई थी वो पसंद नहीं आई। तो सुप्रीम कोर्ट में बार बार केस जाता रहा, रिव्यू पटिशंस भी हुई, बट आखिरकार जो फीफा बैन था वो लग ही गया AIFF को। ठीक है, तो जो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन है वो बोला गया है फीफा के द्वारा कि भाई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हुआ है और हम ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसा ब्लेम गेम चल रहा है। जो रियल कल्प्रिट्स हैं वो आप लोग तय करिए और कमेंट्स में बताइए। ठीक है दोस्तों, हम तो यहाँ आपसे बात करने वाले हैं, सैड डे फॉर इंडियन फुटबॉल, बहुत ही दुखीजनक दिन है। आपको बता दें कि जो इंटरनेशनल फीफा फ्रेंडली जो तीन कंट्रीज का होने वाला था, वियतनाम, सिंगापुर और इंडिया का, नेक्स्ट सेप्टेम्बर, वो भी शायद अब ना हो, बिकॉज फीफा बैन मिल चुका है इंडिया को। और जो AFC टूर्नामेंट्स है, जैसे आपको बता दें कि हमारी AFC जो वुमेन्स चैम्पियनशिप होने वाला था गोकुलाम, केरला की जो वुमेन्स टीम थी जो
उज़्बेकिस्तान गई थी, वो भी शायद उनको अब खेलने ना मिले। और जो एटीके मोहन बगान हैं, जिनको अपना इंटर जोनल सेमीफाइनल मैचेस खेलने थे एएफसी कप के लिए, तो एटीके मोहन बगान भी अब शायद ना खेल पाए, बिकॉज यहाँ पे जितने भी फीफा या शायद एएफसी और जो टूर्नामेंट्स हैं वो, उनमें अब इंडियन फुटबॉल की एक भी मैचेस आपको देखने नहीं मिलेंगे जब तक जो है न्यू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता और न्यू प्रेसिडेंट नहीं अपॉइंट हो जाता इंडियन फुटबॉल का। तो जो वियतनाम में जो टूर्नामेंट होने वाला था वो तो 100% है कैंसिल है, क्योंकि अगर जब तक इंडियन फुटबॉल का जो पूरा जो एक फीफा की गाइडलाइंस के थ्रू जो न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं हो जाएगा तब तक ये जो बैन है इंडिया पे लगा रहेगा। और देखना होगा कब तक ये जो प्रोसेस है फिर से कंप्लीट होगा, कब तक न्यू प्रेसिडेंट बनेंगे, कब तक टाइम लग जाएगा इसमें, जितना टाइम लगेगा देखना होगा। और तब तक के लिए जो ग्रोथ है इंडियन फुटबॉल की एकदम से रुक जाएगी। हाँ, लेकिन जो क्लब फुटबॉल है वो चलते रहेंगे, क्लब फुटबॉल में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे ISL हो गया, दुरंत कप हो गया, ये सब जो टूर्नामेंट्स हैं ये चलते रहेंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, तो ये आप इन्जॉय करिए जब तक। बट जो इंटरनेशनल फ्रेंडलीज वगैरह जो फीफा रिकग्नाइज टूर्नामेंट है वो, उसमें इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा और शायद जो क्लब्स हैं वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, जहाँ तक जो क्लब्स के बारे में मुझे पता है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही दुखीजनक दिन है ये इंडियन फुटबॉल के लिए। और जो आपको बता दें कि जो इंडिया क्या कर सकता है, व्हाट नेक्स्ट, ठीक है, अब क्या होगा आगे प्रोसेस, कैसे इंडिया इस बैन से निकल सकता है और कैसे जो ग्रोथ है फिर से पटरी पे आ सकती है इंडियन फुटबॉल की। सो पहली जो चीज़ है वो है फीफा की गाइडलाइंस। फीफा की जो गाइडलाइंस है उसके अंडर एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, फिर इलेक्शन करवाया जाए उसी फीफा गाइडलाइंस के अंडर, कोई भी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी फीफा की गाइडलाइंस के अंडर होना चाहिए, ठीक है। फिर इलेक्शन करवाया जाए, इलेक्शन करवा के न्यू प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाए, जब न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हो जाएगा तभी जाके जो AIF का एडमिनिस्ट्रेशन है फुल एक अच्छी तरीके से रन हो पाएगा अंडर दी फीफा, ठीक है। और जो कोई भी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जैसा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने CO की जो कमिटी अपॉइंट करी थी वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो यही है, अगर AIF ये करता है तो ही हम बच पाएंगे, जो इस फीफा बैन से निकल पाएंगे हमारी जो इंडियन फुटबॉल की फेडरेशन है AIFF। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो इंडियन फुटबॉल के लिए जो फीफा बैन है उसको लेकर। दोस्तों अगर हमारा ये जो वीडियो है आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फुटबॉल नाइट्स को। वैसे तो हम सभी दुखी हैं इस बैन से, पर देखना होगा हम निकल जाएंगे इस बैन से। हौसला बनाए रखिए और प्लीज़ सपोर्ट इंडियन फुटबॉल दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं हम, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।